सो गाइज, आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज हम घर पे ही होममेड सोप बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने सोप अलग अलग वैरायटी में बनाई है, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ 4 वैरायटी की सोप बनाई है। तो इसे बनाना और इसका प्रोसेस हमने किस तरह से रेडी किया है, तो उसे जानने के लिए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम बना रहे हैं केसर की सोप। तो उसके लिए मैंने यहाँ केसर को एक टिश्यू में इस तरह से थोड़ा सा डाल के और उसे मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा उसे ड्राई करके और सेक लिया था। बाद में मैं इसको क्रश कर लूँगी। तो क्रश करने से क्या होगा कि इसका जो कलर है वो अच्छे से आ जाएगा, नहीं तो आप इसको दूध के अंदर डाल के भी रख सकते हैं, तो उससे भी इसका कलर आराम से अच्छा सा निकल के आएगा। उसी के बाद मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर इसके अंदर मिक्स किया है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो लाने में बहुत अच्छा ही हेल्प करता है। तो उसी के बाद मैंने इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करके और ये एक मेरे पास आलमंड ऑयल का बोतल था, तो मैंने आलमंड ऑयल को यहाँ पे ऐड किया। आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल को ऐड किया है। तो मेरे पास नेचुरली जो एलोवेरा जेल है वो नहीं था, तो जो भी मेरे पास में एक बोतल में पड़ा था जेल, तो मैंने यहाँ पे उसी का यूज़ किया है। ये मैंने सोप को ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो इसके मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस को कट करके और इस तरह से मैं इसको गैस पे गरम करके अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। तो ये ट्रांसपेरेंट सोप बेस है। यहाँ पे ये मैं सोप का बनाने के लिए मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था, उसी में मैं इसके अंदर बेस बनाऊँगी। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा फ्रेगनेंस डालने के लिए इसके अंदर ऑयल को ऐड किया है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट केसर का जो सोप है वो बनके रेडी है। तो आप भी इस तरह की सोप को ट्राई कर सकते हैं और इससे आपका फेस भी अच्छा रहेगा। केसर की सोप से आपका चेहरा एकदम ब्राइट और एकदम ग्लोइंग स्किन होगी, तो आप इस तरह की सोप को ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए गाइज, इसी के साथ सेकंड सोप को भी हम बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये जो रोज़ होते हैं वो यूज़ में लिए हैं। तो रोज़ की पेटल्स को मैं कुछ इस तरह से ग्राइंडर में डाल दूंगी और अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। तो ग्राइंड करने के बाद में इसके अंदर मैं यहाँ पे रोज़ वाटर और कुछ एलोवेरा जेल और या मैं विटामिन डी ई का कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। तो आप इन सबको यूज़ करके और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। उसी के साथ यहाँ पे मैंने यहाँ थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड किया है और सेम सोप के बेस को मेल्ट करके और इसी के अंदर पूरे मिक्सचर को डाल के और मैंने अच्छे से मेल्ट किया। तो आप मेल्ट करने के बाद देख रहे हैं कि इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। तब जब भी आप रोज़ को गैस पे गरम करके या कुछ मेल्ट करने में डालेंगे तो उसका कलर हमेशा चेंज होता है। तो रोज़ की सोप बन के आई है वो इस तरह के कलर में आई है। तो आप भी सोच सकते हैं कि मार्केट में हमें जो मिलती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के थर्ड DIY की तरफ, तो थर्ड सोप बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैं यहाँ कैरेट का यूज़ कर रही हूँ। तो कैरेट को मैंने अच्छे से ग्राइंड करके या कद्दूकस करके बारीक बारीक कर लिया है और इसी के अंदर एलोवेरा जेल और सोप के बेस को मैं डाल के और इस मिक्सचर को मैंने मोल्ड में डाल के सोप का एक अच्छा सा पीस रेडी किया है। तो आप देख सकते हैं कि कैरेट की सोप बन के भी कितनी अच्छी हुई है। आप इसके अंदर अगर कैरेट का जो भी कद्दूकस करके उसका जूस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ कैरेट का पूरा यूज़ किया है। नेक्स्ट सोप को बनाने के लिए मैं यहाँ पे आलू का यूज़ कर रही हूँ। तो आलू को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, कद्दूकस से कस के और अच्छे से उसका जूस निकाल लिया है। उसी के अंदर मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में इस बेस सोप का जो बेस है उसके अंदर डाल के और इसे फिर अच्छे से वापस मिक्स कर लूँगी। और कुछ मोल्ड में डालने के बाद में ये सोप हमारे सामने इस तरह की बन के आएगी। सो गाइज, ये थी हमारे 4 साबुन को बनाने की विधि। तो किस तरह से हमने एक होममेड सोप रेडी किया है। तो अगर आप भी में से किसी को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे इसका वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। इन सोप को आप घर पे अलग अलग फ्लेवर्स में बना सकते हैं। मैंने यहाँ 4 फ्लेवर का यूज़ किया है। आप यहाँ पे टोमेटो सोप, यहाँ पे नॉर्मल नीम का जो सोप होता है वो भी इसके अंदर बना सकते हैं। अगर आप इस तरह का वीडियो और कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और इसी के साथ मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करते जाइएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।